हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो ये वाली क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये है मेरा भतीजा, जो कि जब मैं उस दिन महोत्सव लखनऊ महोत्सव गई थी तो ये मेरे साथ आया था, क्योंकि मैं अकेले थी तो मेरे साथ आ गया था ये। और अभी जा रहा है अपने घर, तो वही बच्चे जो हैं इसको मतलब जब जा रहा है तो वो लोग रोने की एक्टिंग कर रहे हैं दोनों। अभी करेंगे, देख लीजिएगा। अभी ये देखो, अभी तो भैया रोएगा मतलब नकली आंसू, और शगुन के भी आप लोग नकली आंसू देखेंगे। अभी वो पानी से आंखों में जो है मतलब पानी को आंखों में डाल के, ये देखो भैया अभी यहाँ पे रो रहा है, ये देख लीजिए इसका रोना। और इधर शगुन जो है अपनी आंखों में पानी डाल के रोने की एक्टिंग कर रही है। तो देख लिया आप लोगों ने दोनों की एक्टिंग। हो इसके इतना ज़्यादा जुकाम है कि वो अपना मुंह छुपा के बैठी है। बंद हो जाएंगी, दिखाओ। आंखें इसकी बंद हो रही हैं, इसके आंसू बहुत निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ सबके जुकाम बुखार है, सबके है। अगर कोई मेरे घर आना चाहता हो तो प्लीज़ अभी 2-3 दिन ना आए, क्योंकि हम लोग की तबीयत ख़राब है। मैं नहीं चाहती कि उन लोग की भी तबीयत ख़राब हो जाए, इसलिए प्लीज़ कोई मेरे घर मत आए अभी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बजे हुए हैं दिन के 11 शायद। मैं आज अपना ब्लॉग में अभी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, मतलब बहुत तबीयत नहीं ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है सर्दी जुकाम बुखार है। सुबह दवा भी लिया था तो अब थोड़ा सही हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा आज ब्लॉग। मैंने तो सोचा था पहले कि आज ब्लॉग ही नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा बना लेते हैं। आप लोगों को आंखें देख के पता चल रहा होगा कितना बेकार लग रही है आंखें। और सर्दी का मौसम तो आ ही गया है, आप लोग को पता है सबके ही सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब आप लोग करते ही नहीं हैं। और इतनी ज़्यादा इतने समय सबकी तबीयत ही ख़राब है, देखो सारे कपड़े पड़े फोल्ड करने के लिए, देख लीजिए। और धूप में भी डालना है थोड़े से, कल के कपड़े धूप में डालना है, तो अभी मैं जाती हूँ कपड़ों को धूप में डाल देती हूँ, और फिर थोड़ी देर में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दिखाऊँ कि इसमें कौन बंद है, आप लोग देखिए। फिर दोबारा नहीं मम्मी कसम से। हाय, फ्राइड राइस, पनीर फ्राइड राइस, ये देख लीजिए, खाओ अभी खा लो। वाह चॉकलेट, ये देखो इसमें चॉकलेट भी है। चॉकलेट नहीं है तो अलग से डालियो। तो गाइस, ये पनीर मतलब फ्राइड राइस है, पनीर फ्राइड राइस नहीं है, है है। और ये मेरे मामा ने बनाई अपने हाथों से। नम 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 नम। फ्रेंड्स, ये है फ्राइड राइस, आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे जैसे हम लोग उंगलियां चाट रहे हैं। तो ये मेरे मामा ने स्पेशल हम लोग के लिए भेजी है अपने हाथ की बनाई हुई फ्राइड राइस, क्योंकि वो भी बना लेते और बहुत अच्छी है। आप लोग अगर कभी मोनिका ढाबा जाएँ तो इसे ज़रूर खाइए, बहुत अच्छी है, खाने में आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और बहुत अच्छी है। वही तो स्वाद हम लोग ले रहे हैं। हम लोग का परसों से मन था कि फ्राइड राइस खाएंगे, आज हम लोग का वो सपना पूरा हो गया है। तो गाइस, ये कह रही है उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, पर वहाँ पे हाथों से नहीं खाना पड़ेगा, चम्मच मिलेगा, स्पून मिलेगा, आप स्पून चाटते रह जाएंगे। चम्मच चाटने में क्या है कुछ भी हो। मेरे बुखार था, मेरे खाना पेट में नहीं जा रहा था, मुंह के अंदर, पर मामा की फ्राइड राइस देखा मुंह खुल गया ना, मजा। अब जब कभी भी तुम्हारा खाने का मन ना करे तो वहीं पहुंच जाना, ठीक है। अरे क्या आज के साथ मजाक कर रहा है तू, अभी जल के चम्मच तो बहुत बड़ा। तो फ्रेंड्स, अभी रात हो गई है और मैं बर्तन वर्तन धुल के आ गई हूँ, क्योंकि इतने समय ज़्यादा ठंडी होती तो आग जलाया था, तो मैंने कहा हाथ पैर सेक ही लेते हैं, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद जो है बहुत ठंडी लगती है, हाथ पैर भी ठंडे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा सेक ही लेते हैं तो सही रहेगा। Thank you.
ये देखिए मेरे मिट्टू का खाना, और मैं अभी जा रही हूँ देने मिट्टू को, भूखा है तो वही मैं देती हूँ, खा ले। ये है मिट्टू का रूम, और ये देखो ये देखिए मिट्टू भी खा लेंगे। मिट्टू वो देखो छुपा है उधर, मिट्टू देखिए फ्रेंड्स दूध जो है, दूध मतलब पका लिया है, अब इसको रख देंगे और जिसको लेना होगा ले लेगा पीने के लिए। तो फिर अभी मैं रख देती हूँ। और एक ये रोटी आप लोगों को दिख रही है कैसी है, ये रोटी बनाने के बाद जो आखिरी रोटी बचती है तवे में डाल देते हैं, लेकिन आज मैं भूल गई तवे में डालना, ऐसे ही रखी है। नहीं आखिरी में तवे में डाल दे के, तवे में डाल के पका लेते हैं, फिर कूड़े में डालते हैं, ये हम लोग ऐसे करते हैं, आप लोग जैसे भी करते हो हमको नहीं पता।